हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर मैं निर्दोष हूं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। जानते हो ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट है सर। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि तुम निर्दोष हो, तुम गुनेगार नहीं हो। सर सर आपने हमेशा हमें यह सिखाया सर कि सच से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। इस केस की भी यही सच्चाई है सर। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुमने खून नहीं किया है तो फिर तुम्हारा खून उस हथियार पे कैसे? पंकज मुझे नहीं पता सर। कैसे नहीं पता तुम्हें? ये जो तुम्हारे हाथ पर चोट लगी, ये जो खून का निशान है, वो चीख चीख के कह रहा है कि गुनेगार तुम ही हो पंकज, तुम हो। सर मैंने आपको बताया था सर, मैं ऑटो से जब ब्यूरो आ रहा था सब तब कटा था सर। ये सर ये भी हो सकता है कि कोई पंकज को फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। पंकज इस आदमी ने तुम्हारा हाथ काटा था, शायद वही तुम्हारे खून का सैंपल लेके गया हो क्राइम सीन पे डालने के लिए। सर नहीं सर, सैंपल नहीं हो सकता उसके पास। उसने जैसे मेरा हाथ काटा था सर तो वो चला गया था, और खून तुरंत नहीं आया था सर, थोड़ा टाइम लगा था। उसके पास मेरा सैंपल नहीं हो सकता सर। अगर तुम्हारा खून किसी ने नहीं लिया तो फिर तुम्हारा खून क्राइम सीन पर सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है पंकज, और वो भी तब जब तुम वहां खून करने गए थे तब। ये क्या बात हुई सर? सर अगर पंकज को झूठ बोलना होता, हमें गुमराह ही करना होता तो ये बोल सकता था कि इसका सैंपल कोई लेके चला गया है, मगर इसने सच बोला। इसका सच कोई मायने नहीं रखता क्या सर? हाँ अभिजीत, सच बहुत मायने रखता है, लेकिन फिलहाल इस केस का सच यही है कि इस खून का एक ही सस्पेक्ट है, और वो है पंकज। मैं तुम्हें सीआईडी से सस्पेंड कर रहा हूं सर। तुम्हारी गन और बैच। सर एक बेटा अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसकी झूठी कसम कैसे खा सकता है सर? मैंने तुमसे नहीं पूछा फ्रेडी, गन और बैच
ये गलत हो रहा है, ये एकदम गलत हो रहा है। नो ऑफेंस सर, लेकिन आप हम सब पे ऐसे हमेशा शक नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? क्या गलत कहा मैंने? जब भी कभी किसी सीआईडी ऑफिसर के ऊपर झूठा इल्जाम लगता है, आप हम पे कभी भरोसा नहीं करते। तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है सर आपसे। आपके एक इशारे पे जान देने को तैयार खड़े रहते हैं हम लोग, तो क्या इतनी सी उम्मीद रखना गलत है कि हमारे बुरे वक्त पे आप हमारा साथ देंगे, हम पे भरोसा रखेंगे? क्या मैं साथ नहीं दे रहा? सच जाने की खुशी नहीं कर रहा हूं मैं? सच के इस सफर में आपने कई बार हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है सर, हमारे फर्ज हमारी वफादारी पे शक करके। जब मुझ पे झूठे इल्जाम लगे थे, आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया था। और जब तक अभिजीत निर्दोष साबित नहीं होता, उसे जेल में ही रहना होगा। जब दया पे झूठे इल्जाम लगे, आपने इस पे भी भरोसा नहीं किया। मगर शायद आप ही एक बात भूल गए, एक बार आप पे भी ऐसा झूठा इल्जाम लगा था। उस वक्त हम में से किसी ने भी आप पे शक नहीं किया था, बल्कि एक मजबूत दीवार बन के सामने डटे खड़े रहे थे ताकि आपके ऊपर आंच ना आ सके। तो क्या आप वो हमारी हिम्मत, वो ताकत नहीं बन सकते सर? अभिजीत, मुजरिम से भी ज्यादा खतरनाक होता है एक इमोशनल सीआईडी ऑफिसर। तुम इमोशनल बन गए हो अभिजीत, मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। दया, पूर्वी, अब से पंकज की केस तुम दोनों इन्वेस्टिगेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों। ठीक है सर, अब आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि मैं इस केस को न्यूट्रल तरीके से देख पाऊंगा भी या नहीं। इतने साल की ड्यूटी का ऐसा मेडल तो किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू सर। अपनी पीठ मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ। चलो ये भी करके देख लेते हैं। आप आ गए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप देखिए वहां फाइल पड़ी है, उसमें पूरा फाइनेंशियल प्लान पड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो, ये सीबी प्रद्युमन है। व्हाट? कब? अच्छा, ठीक है।
दया, अभिजीत, विक्रम विजय का खून हो गया। विक्रम विजय? वो हवाला कांड वाला सर? वही वही विक्रम विजय, आज तक कानून से बच के भाग रहा था, आज उसका कत्ल हुआ उसके ही घर में। एक न एक दिन तो ये होना ही था सर, इतने सारे दुश्मन पाल रखे थे उसने। सर रियली सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। क्या बात है पंकज, कहाँ रह गए थे तुम? सर वो डैड का श्राद्ध था सर, आज मंदिर गया था सर पूजा करने। ठीक है, और ये हाथ में क्या हुआ? अरे सर ये आते हुए लग गया, मामूली छोटे, इतना जोर से नहीं लगा सर। ठीक है तैयार हो जाओ, एक मर्डर केस आया हुआ है। अब ये इसका मर्डर हुआ है विक्रम विजय का। सीआईडी जी सर, मैं गोपाल हूं, विक्रम सर का मैनेजर। ये तीनों कौन? ये मोहित, विशाल और ये राघव है, ये सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और आप? ये विक्रम सर की वाइफ हैं, मधु मैडम, और बाकी सब स्टाफ है। बॉडी कहाँ है? सर बॉडी अंदर है। बहुत बुरी तरह से वार किया इसमें, ये गर्दन पे वार किया है, अब पेट और छाती पे भी मारा है। तो नहीं पक्का करना चाहता था कि किसी भी तरीके से ये बचने ना पाए। लगता है इससे हमला किया है इस पे। विक्रम के फोन पे आखिरी मैसेज किसी अननोन नंबर से आया, अपनी पीठ मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ। पीठ मेरी तरफ मतलब वो आदमी इसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था क्या? देखिए सर, फुलदान में से मुझे क्या मिला है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस? इस कमरे में जो भी बात हो रही थी वो कोई सुन रहा था। सर, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, पर वो जिस तरीके से तैयारियां करवा रहे थे उसे साथ से तो लग रहा था जैसे वो उनका बहुत खास क्लाइंट हो और वो सिर्फ विक्रम से ही मिलना चाहता था। ये क्लाइंट विक्रम के कांटेक्ट में आया कैसे? सर मेरी वजह से, उसने मुझे पहले कांटेक्ट किया था। वो विक्रम साहब का पूरा इतिहास बहुत अच्छी तरह से जानता था और विक्रम सर उसके इस होमवर्क से बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने मुझसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। तो आप उससे पहले मिले थे? नहीं सर, उसने कॉल किया था और वो भी प्राइवेट नंबर से। तो आप लोगों ने मीटिंग से पहले पूरी तैयारी कर ली थी? हाँ जी सर। उस कमरे को अच्छी तरह से चेक कर लिया था? हाँ। तो फिर ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग डिवाइस ये कमरे में कैसे पहुंची? सर ये कहां से आया? लाभ में, वो तो
तूने चेक किया था ना मोहित? मैंने चेक किया था सर, लेकिन मुझे फ्लावरपॉट में दिखा नहीं था। दिखा नहीं था जी? नहीं सर। ऐसे कैसे दिखा नहीं था? ब्यूरो चल, वहां पे अच्छे अच्छे को दिखने लगता है। मोहित पे नजर रखना। अभिजीत गोली मत चलाना। अरे कैलाश सर, आप कौन है? ये सीबीआई ऑफिसर है कैलाश जी। कैसे सर? बढ़िया। क्या बात है सर, आपने अचानक रास्ता रोक लिया? अभिजीत मुझे वो आदमी चाहिए जो तुम्हारी सीआईडी की गाड़ी में बैठा है। मोहित? वो हमारा मुजरिम है सर, हम उसे ब्यूरो ले जा रहे हैं इंटरोगेट करने के लिए। नहीं अभिजीत, वो मुजरिम नहीं है, एक सीबीआई अफसर है। क्या करें आप, ये मोहित सीबीआई ऑफिसर है। मगर सर ये तो वो गार्ड की नौकरी कर रहा था विक्रम के। दिखावा, सच को छिपाने के लिए। कैसा सच? मोहित एक अंडरकवर है और मेरे कहने पर वहाँ ड्यूटी कर रहा था, और मेरे कहने पे ही उसने विक्रम के वहाँ वो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई थी, और इसीलिए कुछ भी बताने से मना कर रहा था। ये अंडरकवर मर जाएगा मगर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेगा। नहीं ठीक है सर, वो एक्चुअली थोड़ी बहुत पूछताछ करनी पड़ेगी, खून का मामला है, जस्ट जनरल बातचीत। और हमें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? हम जानना चाहते हैं कि खूनी और विक्रम के बीच क्या बात हुई थी। आप आ गए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप देखिए वहाँ फाइल पड़ी है, उसमें पूरा फाइनेंशियल प्लान पड़ा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये नोट तो रख लिए। सर ऐसा लगता है कि विक्रम विजय खूनी को जानता है, इसलिए खूनी ने उसे अपना चेहरा देखने ही नहीं दिया। और जैसे ही विक्रम को पता चला कि जो पैसे उसे दिए गए हैं वो नकली हैं, खूनी ने उसे मार दिया और बैग लेके चला गया। तो काम करते हैं, इस मोहित से अंडरकवर कॉप से पूछताछ करते हैं। I'm sorry, sir. ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए अगर मैं आप लोगों को कुछ भी और बताता हूँ तो वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, विच आई डोंट वांट। देखो मोहित, मैं तुम्हारे प्रोटोकॉल की इज्जत करता हूँ, मगर कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हें मिली हो, मगर तुम्हारे प्रोटोकॉल के दायरे में होने के बावजूद भी तुम हमें बता सकते हो। कुछ तो बताओ जिसके जरिए हम खूनी तक पहुँच सके। मैं आप लोगों को केवल इतना बता सकता हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से सीबीआई इस विक्रम विजय के पीछे लगी हुई थी। आज से 15 साल पहले सन 2002 में सीबीआई ने एक अंडरकवर ऑफिसर को भी विक्रम विजय के पीछे लगाया था, कुछ खास सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली हमारे वो ऑफिसर मारे गए। एक मिनट, नाम क्या था इस ऑफिसर का? इंस्पेक्टर अधिराज। इंस्पेक्टर अधिराज, इस बोतल पे जो खून है, इस खून में विक्रम के डीएनए के अलावा किसी और का भी डीएनए? विक्रम के डीएनए के अलावा किसी और का भी डीएनए है? तेरे कहने का मतलब है कोई और भी था? कौन था सर उनके? तो विक्रम ने डाटाबेस में कंपेयर करके देखा, मैच करके देखा तूने? उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी का क्या मतलब है सारों के? किसका डीएनए है वो? वो डीएनए पंकज का है। What? वो डीएनए पंकज का है? हमारे पंकज का? हमारे पंकज का, यानी कैसे हो सकता है? सीआईडी ऑफिसर पंकज, सीआईडी ऑफिसर पंकज खून कर सकता है? हमारा एक ऑफिसर खून ही है। लेकिन सर पंकज खून क्यों करेगा? वही तो, सीआईडी ऑफिसर खून क्यों करेगा? सर विक्रम के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली है सर,
किसकी मोटरसाइकिल है वो? सर वो पंकज की है। लगा मुझे। क्या मतलब? पंकज की बाइक पड़ी है वहां पे और आप लोगों को हैरानी नहीं हुई? खड़ी विक्रम विजय जिसकी मौत हुई है आज, 15 साल पहले अधिराज जी पंकज के पिता एक अंडरकवर कॉप बॉडीगार्ड बन के विक्रम विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उसी दौरान वो मारे भी गए। मतलब सर पंकज को ये लगता है कि उसके पिताजी की मौत के पीछे विक्रम विजय का हाथ था और इसीलिए उसने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। पंकज कहाँ है? अरे सर आप लोग? यही सवाल तो हम भी तुमसे पूछने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? अरे सर बाइक चोरी हो गई थी मेरी, ये सामने पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर कहने आया था, ये देखिए। हमें पता है तुम्हारी बाइक कहाँ है। आप लोगों को कैसे पता सर? तुम्हारी बाइक विक्रम विजय के घर के पास मिली है, वही विक्रम विजय जो तुम्हारे पिता का खूनी है। जब ब्यूरो में एसीपी साहब ने बताया कि विक्रम विजय का खून हुआ है तो तुम्हें पता था ना कि वही विक्रम विजय है? हाँ सर। अरे तो ब्यूरो में क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हें बताना चाहिए था ना कि विक्रम विजय तुम्हारे पिता का खूनी है। सर डैड का श्राद्ध था सर, मंदिर से ब्यूरो आ रहा था, उनके बारे में सोच रहा था, ये न्यूज आ गई, एकदम हिल गया था सर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और ये हाथ जो तुम्हारा कटा हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर ये तो जब मैं मंदिर से ऑटो पकड़ के आ रहा था। क्यों साहब? तो एक अनजान आदमी ये घाव देके चला गया यूं ही बेवजह? सर मैं जानता हूँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सच यही है सर। पंकज यार तुम तो हमेशा बाइक पे बीरो आते थे ना, अचानक ऑटो में कैसे आया? अचानक नहीं सर, मेरी बाइक तो दो दिन से खराब पड़ी है। तो तुम्हारी खराब पड़ी हुई बाइक कोई लेकर गया, उसने उसे रिपेयर करवाया और ठीक होने के बाद उसे एक लावारिस जगह पे छोड़ दिया, वो भी संयोग से एक ऐसे इंसान के घर के पास छोड़ दिया जिसका आज ही खून हुआ और जो तुम्हारे पिता का खूनी भी है। सर आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आप लोग को लग रहा है उस विक्रम विजय को मैंने मारा है? अगर ये पंकज अपने घर से विक्रम के घर पे गया होगा तो वो यहाँ इस जंक्शन से गुजरा होगा। सर सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से पता चल जाएगा कि पंकज यहाँ से गया था उस बाइक पे या कोई और था वो। रिवाइंड करना, पॉज कर। सर ये देखिए कि पंकज की तरह नहीं लग रहा है। बाइक का नंबर है XYA4784। सर पंकज की बाइक का नंबर भी यही है। पूर्वी ये पंकज इतनी लापरवाही तो नहीं कर सकता कि एक जुर्म करने के लिए जाते वक्त सड़क पे एक और जुर्म करे सिग्नल तोड़ने का। जरूर कोई है जो पंकज को फंसाना चाहता है और उसी ने ये सिग्नल भी तोड़ा ताकि हमारा जो शक है पंकज के ऊपर वो और मजबूत हो जाए। मगर सर पंकज को कौन फंसाना चाहेगा? शायद इसका कोई पुराना दुश्मन। सर मेरा ऐसा कोई पुराना दुश्मन नहीं है जो मुझे फंसाने के लिए ऐसी साजिश रचेगा। सर पंकज दिमाग पर जोर डालो, कोई तो होगा। सर अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो फिर ये खून तुमने ही किया है, तुमने।
अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए, और वो भी उनकी बरसी के दिन। सर, मेरा बदला लेने की कोई मेंटालिटी नहीं है सर। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं एक CID ऑफिसर हूँ। जहाँ तक पिताजी की बात है सर, मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो या हमारे साथ रहे हो। सर, उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि उनका कोई बेटा है जिसे उनकी जरूरत भी है सर। मतलब तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं थे? सर, वो एक अंडरकवर कॉप थे सर, वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था सर। ये तो सिर्फ मेरी माँ ने पाला है सर। लेकिन फिर भी पंकज, तुम्हारी अपनी पिताजी के साथ कुछ ना कुछ तो यादें जुड़ी होंगी ना, कुछ भी? बस सर, थोड़ा सा याद है मुझे सर, मुझे मेले में ले जाते थे सर वो, मगर मेले में ले जाने से पहले सर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे हमेशा। हॉस्पिटल में? वो क्यों? शायद बचपन में बहुत बीमार रहता था और वो हॉस्पिटल ले जाते थे और मुझे बहुत दर्द होता था सर। दर्द? पंकज, कहाँ दर्द होता था? सर, पीठ में, यहाँ पे सर। पीठ में? पंकज, डॉक्टर क्या करते थे पीठ में? नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद करो पंकज, याद करो, सोचो क्या करते थे। तुम्हारी पीठ में इंजेक्शन लगाते थे या पीठ में से खून निकालते थे, क्या करते थे, याद करो। सर ड्रिल मशीन से कुछ करते थे सर हॉस्पिटल में। क्या कहा? ड्रिल मशीन से? और उसके बाद तुम्हें पीठ में दर्द होता था? बहुत दर्द होता था सर, मैं हफ्तों तक सीधे बैठ भी नहीं पाता था। और फिर घर जाने के बाद तुम्हें नींद सी आती थी, कुछ अजीब सा लगता था, चक्कर आता था? हाँ सर। सर, मेले में भी जब मैं घूमने जाता था तो नींद में ही रहता था सर, ऐसे चक्कर आते रहते थे सर बस। लेकिन सर, इस बात का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है बस, मुझे लगता है इसके पिताजी ने इसकी बहुत छोटी उम्र में इसका बोन मैरो डोनेट करवा दिया था। लेकिन सर, बच्चों का बोन मैरो डोनेट करवाना तो गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है, लेकिन मुझे लगता है बॉस, पैसे की वजह से या किसी भी और वजह से उस डॉक्टर ने इसके पिताजी के लिए ये सब कुछ किया था। वो ठीक है सर, लेकिन मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि इस बात का इस केस से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ऐसे है पूर्वी, कि कई बार जब बोन मैरो डोनेट किया जाता है तो जिसे बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को ह्यूमन काइमेरिज्म हो जाता है। ह्यूमन काइमेरिज्म? ये क्या है सर? कुछ यूं समझो कि जिस व्यक्ति को बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति के शरीर में 2 DNA पैदा हो जाते हैं। 1 DNA वो जो उसका खुद का है ओरिजिनल, और दूसरा DNA वो जो बोन मैरो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसका। इसका मतलब है सर, पंकज का बोन मैरो जिसे मिला, शायद उसके खून में भी ये पंकज का DNA शामिल है। एग्जैक्टली दैट। बस मुझे लगता है कोई बहुत ही खास होगा वो, जिसके लिए पंकज के पिताजी ने ये सब कुछ किया। कोई ऐसा खास आदमी जो पंकज के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज के बहुत ही करीब था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने ये खून कर डाला, पर कौन? दया। हाय सर। हेलो अभिजीत। हाय दया, कैसे हो? गुड। सॉरी आपको यहाँ ऐसी जगह पे बुलाना पड़ा। अभिजीत, जो इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए थी वो ना तो CID ऑफिस में दी जा सकती थी और ना मेरे ऑफिस में। थैंक यू सर आपकी मदद के लिए। पंकज एक ईमानदार ऑफिसर है सर, और आपकी मदद से शायद हम उसकी बेगुनाही साबित कर पाए। अभिजीत, तुम्हें याद है एक खतरनाक मुजरिम था राका, उसको पकड़ने में तुमने मेरी मदद की थी।
तो समझ लो मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। दोस्ती में बदले नहीं चुकाए जाते सर। एक्चुअली हमें पंकज के पिता इंस्पेक्टर अधिराज जी के बारे में जानकारी चाहिए, जितनी भी आप दे सके। आपने काम किया है ना इंस्पेक्टर अधिराज के साथ? हाँ दया, अधिराज बहुत ही ईमानदार अफसर था और बहादुर भी। मुझे तो ये कहने में गर्व होता है कि हमने एक साथ काम किया। सर एक्चुअली हमें ये पता करना था कि उनके अंडरकवर मिशन के दौरान उनके कभी किसी से कोई खास रिश्ते बने थे, कोई नया परिवार ऐसा कुछ। अभिजीत, ये जो अंडरकवर की दोहरी जिंदगी होती है मुश्किल होता है जीना। एक पुलिस वाला भी तो इंसान ही होता है ना, और उसे भी वो चौकट कभी कभी नहीं लगनी चाहिए जो वो लांग गए। मतलब उनको भी किसी से प्यार हुआ था, उनका कोई दूसरा परिवार भी था? हाँ, अधिराज की दूसरी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर गई। और अधिराज जी की मौत के बाद इस दूसरे बच्चे का क्या हुआ? ये राज हमेशा राज ही बना रहा कि अधिराज ने उस दूसरे बच्चे को कहाँ रखा, कैसे पाला और वो बच्चा कहाँ गया, कभी किसी को नहीं मिला। और ये जो बच्चा है दूसरी शादी से, क्या उम्र रही होगी उसकी? ये पंकज से कोई 2-3 साल बड़ा होगा। शादी पंकज की माँ से पहले हुई थी, पर बच्चा दूसरी बीवी से पहले हुआ था। शायद उसे कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से अधिराज जी ने पंकज का बोन मैरो उसे दिलवाया होगा। और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खून शायद पंकज के सौतेले भाई ने किया। पर अब सवाल यह उठता है कि पंकज का यह सौतेला भाई है कौन और अभी कहाँ है? मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या हुआ होगा उसके साथ। कैलाश जी, हमें एक मदद और चाहिए। इस अंडरकवर मिशन के दौरान और कौन कौन लोग थे आपके साथ, उन सब की जानकारी चाहिए, और अधिराज जी की पूरी कुंडली भी। अभिजीत, ये जरा मुश्किल होगा। जानता हूँ सर ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी की बेगुनाही साबित करनी है, और आप यकीन रखिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में रहेगी बस। ओके। अरे यार, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये लोग टाइम पे आते क्यों नहीं? अरे यार, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अरे मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। अरे मुझे निकलना है इस शहर से आज ही। तेरा हिसाब तो मैं आज अभी और इसी वक्त चुकता कर दूंगा। अकाउंट सीआईडी बंद करेगी, समझे मिस्टर मोहित? ये सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। नहीं अभिजीत, वो मुजरिम नहीं है, एक सीबीआई अफसर है। पिता के कर्ज को पूरा करना हर बेटे का धर्म होता है सर, और जो बेटा ऐसा करता है वही अच्छा बेटा कहलाता है, और वो हूं मैं। तुमने तो किया नहीं, मैंने लिया अपने पिता की मौत का बदला। देखो मोहित, तुम दोनों के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज एक नेक, ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थे। क्या लगता है तुम्हें, उन्हें तुम जैसे मुजरिम बेटे पर गर्व होगा या पंकज जैसे ईमानदार सीआईडी ऑफिसर पर? सच बात तो यह है कि पिताजी को हमेशा से इस पंकज पर गर्व था, और प्यार भी वो इससे ही ज्यादा करते थे। मुझे तो उन्होंने अनाथ आश्रम में डाल दिया था सर, ताकि उनके दूसरे परिवार पे कोई आंच ना आ सके। वो ये बात बताती तो तू हमारे पास आई क्यों नहीं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा यार, हम दोनों मिलके पकड़ते विक्रम को, और कानून के रास्ते। नहीं चाहिए थी मुझे तुम्हारी मदद,
हमारे पिताजी के कातिल को कैसे पकड़ना है और कैसे उससे बदला लेना है, ये सारी प्लानिंग मैंने कर रखी थी सर बहुत सालों से, और यही कारण है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बना और ठीक हमारे पिताजी की तरह ही एक अंडरकवर ऑपरेशन पे गया विक्रम विजय के खिलाफ। लेकिन इस बार उसे सजा दिलवाने के लिए नहीं सर, बल्कि उसे खत्म करने के लिए। एक सीबीआई ऑफिसर होकर भी तुमने जुर्म किया, तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग कानून पर विश्वास करने से कतराते हैं। इस काम में केतन ने तुम्हारी मदद की थी ना? हाँ सर, केतन भी मेरे पिताजी के साथ काम करता था, वो भी एक अंडरकवर कॉप था, उसी ने मुझे सब कुछ बताया और उसके बताने से ही मुझे पता चला कि बचपन में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था। और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे खून में दो डीएनए, एक तुम्हारा दूसरा मेरा, तो तुमने खून करके मुझे ही फंसा दिया। हाँ, और इसीलिए मैंने अपना खून बहाकर उस हथियार पे डाल दिया था और उसके बाद तुम्हारा हाथ काटा ताकि एक तीर से दो निशाने लग जाए। मेरे दोनों दुश्मन, हमारे पिताजी का कातिल वो विक्रम विजय। हेलो कैलाश सर, सर मैंने विक्रम विजय के रूम में ऑडियो डिवाइस लगा दिया। तुम और तुम से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें भाई? क्यों ना करूं तुमसे नफरत? आज तक सब कुछ तो तुम्हें मिला है, हमारे पिताजी का नाम, उनका प्यार, उनकी इज्जत, सब कुछ। और दुख की बात तो यह है कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें इतना सा भी होश नहीं था कि हमारे पिताजी का कातिल है कौन। पर अगर आज मैं नहीं होता तो हम दोनों के पिताजी का कातिल आज भी जिंदा होता और खुला घूम रहा होता। और तुम्हें क्या मिला मुझे? जेल? और खून करके तुम्हारे पिताजी को क्या मिला मरने के बाद? शर्मिंदगी? सर एक बात पूछ सकता हूं आपसे, आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारे सबूत पंकज के खिलाफ करने में। मोहित, हम जानते थे कि पंकज ऐसा कभी नहीं करेगा। और रही बात तुम तक पहुंचने की, जब हमें दो डीएनए के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज का बैकग्राउंड चेक किया, उसमें हमें पता चला कि उनका और भी एक बेटा है, तुम। और फिर बस हमने उस बेटे की पूरी कुंडली निकाली, मतलब तुम्हारी, और फिर सारा मामला समझ में आ गया। बहुत गलत किया तुमने मोहित, बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद उम्र कैद या फांसी। रेडी? रेडी सर। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए कड़वाहट, मगर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई एक भाई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, मगर तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'll wait for you. तुम्हारे में ये जो अच्छाई है ना, इसे कायम जिंदा रखना, कायम। वेलकम बैक टू सीआईडी। थैंक यू सर। सर आई एम सॉरी सर, आप सही कह रहे थे, इमोशनल होके मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया सर, आई एम सॉरी।
देखो अभिजीत, तुम सब लोग मेरे लिए ना सिर्फ सीआईडी ऑफिसर्स हो बल्कि मेरा गुरूर हो, मेरा आत्मविश्वास हो, मेरी ताकत हो। और ऐसे भी प्रद्युमन ने आज तक अपनी ताकत पर कभी शक नहीं किया और ना कभी करेगा। इम्तिहान की घड़ियां तो आती है और आती रहेंगी भी, मगर फर्ज की राह पर चलते वक्त अगर अपने बेटे पर भी गोली चलाना क्यों ना पड़े, हाथ कांपने नहीं चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।